साथियों, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो चुका है या आपका वोटर आईडी कार्ड पुराना हो चुका है तो आप एक नया वोटर आईडी कार्ड घर बैठे हुए कैसे मोबाइल से मंगवा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRTN हिंदी चैनल। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वोटर आईडी कार्ड की ओर से एक बड़ा अपडेट हुआ है, एक नया पोर्टल जारी किया गया है जहाँ से कि आप वोटर आईडी कार्ड से संबंधित बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इस वोटर पोर्टल पर आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस पर वीडियो मैंने पहले से बना दिया है। आपको इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या अभी यूट्यूब में आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नए वोटर आईडी कार्ड को आप घर बैठे हुए कैसे मंगवा सकते हैं, वह भी वोटर आईडी कार्ड। अभी जो प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड मिलता है, प्लास्टिक यानी कि PVC वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से आप मंगवा पाएंगे, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी। आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने अपने नाम से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे हेलो हरिशंकर, माय नेम इज वोटर मित्रा, ये असिस्टेंट है जो कि आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। ये बहुत ही आसान है, इस पोर्टल से आप बड़े ही आसान तरीके से सारे काम कर सकते हैं। अब बस आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बस पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू ऑलरेडी है वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड संख्या है, तो है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। यस कर देने के बाद आप कहता है प्लीज़ इंटर योर वोटर आईडी नंबर, तो यहाँ पे आपको उस वोटर आईडी कार्ड नंबर को डालना है जो वोटर आईडी कार्ड आप मंगवाना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि आप इस पोर्टल के माध्यम से सिर्फ खुद के वोटर आईडी कार्ड को ही मंगवा सकते हैं। अगर आपको किन्हीं अन्य लोगों के वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको उन्हें अपने फैमिली मेम्बर में ऐड करना होगा, उसके बाद आप उनके वोटर आईडी कार्ड को मंगवा सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं कि खुद का वोटर आईडी कार्ड किस प्रकार से आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर दर्ज कर देने के बाद आपको फेच डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके एपिक की जो इन्फॉर्मेशन है आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर वोटर आईडी नंबर, तो बस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने दिए गए वोटर आईडी कार्ड से संबंधित सारी डिटेल्स देख पाएंगे। पहचान पत्र क्रमांक संख्या, अपना नाम, पिता का नाम, लिंग, उम्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आपको नीचे कहता है कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, आपको यहाँ पे चेकबॉक्स को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद बस आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ कहता है यू नीड टू अपडेट योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जिस पर कि आपको एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है, बस अब आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ सेकेंड का इंतज़ार कर लेना है। तो जैसा कि मेरा वोटर आईडी कार्ड से संबंधित OTP आ चुका है, अब उस OTP को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP दर्ज कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सक्सेस योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाई, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आप थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे कहता है रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, तो क्या रीजन है कि आप नया वोटर आईडी कार्ड मंगवाना चाहते हैं। तो रीजन तो मैंने आपको बताया, या तो आपका वोटर आईडी कार्ड खो चुका होगा या तो आपका वोटर आईडी कार्ड पुराना हो चुका होगा या फट गया होगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल डाल देता हूँ माय वोटर आईडी कार्ड इज लॉस्ट। तो यहाँ पे आपको रीजन भरना अनिवार्य है। रीजन भर देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे कहता है चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, यानी कि आप वोटर आईडी कार्ड कहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है
कि आप वोटर आईडी कार्ड BRC या CSC से प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा है कि आप वोटर आईडी कार्ड बाय पोस्ट अपने घर पर पाना चाहते हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन है कि आप वोटर आईडी कार्ड अपने BLO के द्वारा पाना चाहते हैं। तो सबसे आसान है बाय पोस्ट, जो कि पोस्ट मास्टर आपको घर तक आपके वोटर आईडी कार्ड को पहुँचा देगा। तो मैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपका जो सही लगे आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए कहता है इट्स मीन You have select your receive your voter ID card at registered address via postal delivery. You are required to pay additional amount 30 for postal delivery. यानी कि आपको 30 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे अपने घर पर वोटर आईडी कार्ड को मंगवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इट्स मीन यू हैव सेलेक्टेड टू कलेक्ट योर वोटर आईडी कार्ड फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर। यू कैन चेक द अवेलेबल लिस्ट ऑफ बाय विजिटिंग द स्टेट CEO। तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप थर्ड नंबर के ऑप्शन को सेट करते हैं यानी कि BLO के द्वारा, तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल घर पे ही मंगवाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे ही सेट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कहता है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, तो आप पैसे किस प्रकार से देना चाहेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऑफलाइन पेमेंट। तो आप इसे ऑन रखिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में एक रिसीविंग एनेक्स्चर 1 फॉर्म आपको दिखाई पड़ जाएगा। इस फॉर्म को क्या करना है कि आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन फॉर्म पर अपना एक सिग्नेचर करना है। यहाँ पर है ना फॉर्म सबमिटेड डिजिटली सिग्नेचर नंबर नेम ऑफ एप्लिकेंट हरिशंकर कुमार। ओ नहीं, आपको इसको प्रिंट आउट नहीं करना है, बल्कि आपका यह डिजिटली साइन हो चुका है इस फॉर्म पे, अब बस आपको इसके में सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि SMS के द्वारा मुझे प्राप्त हो चुका है योर एप्लीकेशन रेफरेंस ID इज। इस रेफरेंस ID को आप नोट करके रखें। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैसेज भी मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेसन हरिशंकर कुमार, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन। योर एप्लीकेशन रेफरेंस ID इज, यू मे यूज रेफरेंस ID टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड कहाँ तक आया है। जब यह वोटर आईडी कार्ड आपको पोस्ट मास्टर देने आएगा, तब वह आपसे 30 रुपये चार्ज करेंगे। 30 रुपये आपको पोस्ट मास्टर को दे देना है। इस प्रकार से आप घर बैठे हुए अपने नए वोटर आईडी कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।